देखिए, ये प्रोग्राम केवल यही नहीं, पूरी यूटी के सभी टाउन्स में हो रहा है और हर जगह पर कोई ना कोई सीनियर ऑफिसर विजिट कर रहे हैं। श्रीनगर और जम्मू क्योंकि बड़ी सिटीज़ हैं तो यहाँ पर चार चार ऑफिसर्स हैं। सुबह से मिस्टर बशीर अहमद साहब सुबह से यहीं पर थे और बहुत सारे जो मसाइल्स हैं पहले से चले आ रहे हैं उन सभी के बारे में जिक्र हुआ है। तो दो दिन के इस प्रोग्राम में उम्मीद यह है कि जिन चीज़ों पे डिस्कशन करके उनमें सॉल्यूशन पाया जा सकता है, कहीं कोऑर्डिनेशन रिलेटेड इश्यूज़ हैं, कहीं पर और कोई बात है जो उभर के सामने आ रही है, तो उन सारी बातों पे बातचीत हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले कुछ सालों में, पिछले एक दो सालों में, एक साल में बल्कि, जो डेमोक्रेटिक मूवमेंट ग्रास रूट लेवल पर आया है, चाहे वो बैक टू विलेज प्रोग्राम के थ्रू हो, चाहे वो टाउन्स में हो, जिन लोगों के पास में जो कॉर्पोरेटर्स चुन के यहाँ पर आए हैं, जो हैरानी है मेयर साहब की, इट इज़ एक्सपेक्टेड कि वो लोग भी अपने पावर्स का इस्तेमाल करके बहुत सारी चीज़ों का सॉल्यूशन पा सकते हैं। तो ये 2005 के बाद 2018 में पहली बार, दिस इज एन इंटेंट टू स्टार्ट ऑल दीज थिंग्स सो दैट देर इज मोर एंड मोर पावर अवेलेबल टू पीपल टू एड्रेस देयर ओन ग्रीवांसेस। ये तो ऑनगोइंग प्रोसेस है, अवेयरनेस कभी भी एक दिन से जनरेट नहीं होती है। जैसे बैक टू विलेज वन था, उसके बाद टू, अब आप थ्री में देखें, थ्री में भी उसी लेवल का पार्टिसिपेशन था। माई टाउन माई प्राइड फर्स्ट टाइम हो रहा है, लोग यहाँ पे भी आएंगे, अपनी बात को रखेंगे, कुछ मसाइल हल होंगे। ये प्रोग्राम आज ख़त्म नहीं होने वाला, इट इज़ नॉट द फर्स्ट एंड द लास्ट वन। सो इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट पीपल्स पार्टिसिपेशन विल ऑलवेज कीप ऑन गोइंग अप इन दिस टाइम। इन सभी चीज़ों का कहीं ना कहीं सॉल्यूशन होते हैं, तो ये शुरुआत है जिसको आगे ले जाया जाए।